तो क्या ये करना चाह रहे हैं? जैसे हम लोग हर कोई अपनी तरह से शरदान दली अपनी तरह से वो करता है, आज निर्भया को भी लोगों ने याद किया और भी दूसरी चीजें हो, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं? सर देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि अस्मिता थिएटर ग्रुप पिछले 25 सालों से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर काम कर रहा है। अरविंद गौर सर इस ग्रुप के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन खड़े किए, निर्भया का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ, अस्मिता सबके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, किसी पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ मुद्दे के लिए जो गलत हो रहा है उसके साथ। और दूसरी चीज, हम लोग एक्टर्स हैं, हम सुबह 7 बजे घर से निकले हैं और रात में 12-12 बजे घर में पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए कि अवेयरनेस, लोग अवेयर हो जाएं कि कभी भी उनके आसपास कुछ गलत हो तो वो चुप ना रहें, एटलीस्ट वो आवाज़ उठाएं। बहुत सारे लोग इसलिए चुप हो जाते हैं ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े। क्या होता है, लड़की सड़क पर पड़ी रहती है, हम वीडियो बनाते हैं, तमाशा देखते और चले जाते हैं। अगर उसे उसी टाइम अस्पताल पहुंचा दे, चीजें हो जाए, तो वो बच सकती है। और ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाने में कोई बुराई नहीं है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाते तो कल शायद हमारे घर में कुछ ऐसा होता है तो कोई दूसरा नहीं बोलेगा। हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि सोसाइटी में जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है, जैसे इफ यू गो टू पुलिस, पुलिस के पास आप जाते हैं तो वो उनका 100 नंबर पर डायल कीजिए। मैंने खुद मतलब इट वॉज द अदर वे राउंड, दूसरी तरफ का था कि भाई एक लेडी पॉकेट मार थी, उसको मैंने पकड़ा और मैंने कहा कि भाई देखो अगर भागोगी तो फिर मैं जो है मतलब बाल बाल पकड़ लूंगा, तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तो मैंने पुलिस को बुलाया, पुलिस जो है आधे घंटे के बाद आई, उसके पुलिस ने कहा कि आप वो कर लीजिए, मतलब इसको थप्पड़ मार देते हैं, ये कर देते हैं और इसको आपका तो कुछ ले भी नहीं गए। तो जो पुलिस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, अगर कोई लड़की जाती है या कोई आप लेके जाते हैं किसी को, तो दे विल आस्क, मतलब आपसे ही वो इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि आप घबरा जाएंगे, भाई हम क्या इनसे क्या मतलब बात करें आगे। तो आप समझते हैं कि इससे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं ये एक अच्छा काम है अवेयरनेस का, लेकिन जब आप जाइएगा वहाँ या कैसे, क्या आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों को क्या करना चाहिए? सर मैं ये कहता हूँ कि एक महिला आयोग जो वो है दिल्ली सरकार की, ऐसे मामलों में वो बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, ठीक है, और जाना बहुत जरूरी है। जब तक हम बहुत सारी जगह पे ना उनकी, औरतों की, लड़कियों की चीख भी चुप्पी में बदल दी जाती है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या गलत हुआ है। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, और कभी भी ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं मदद करने के लिए, अस्मिता खुद खड़ा होता है उनके साथ जिनकी आवाज़ नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको जाना चाहिए, और पुलिस वालों की भी जवाबदेही होनी चाहिए कि उनसे ऊपर कोई पूछे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और तुम क्यों कर रहे हो। तो ये सिस्टम का काम है और हम सिस्टम से जुड़े हुए नहीं है, मैं इसके लिए आंसर नहीं कर सकता ज्यादा। लेकिन ये जो नंबर है वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है, कभी आप लोगों ने ट्राई किया है 1098 की, वहाँ कोई रिस्पॉन्ड करता भी है कि नहीं? बिल्कुल करता बिल्कुल करता है सर, हम लोगों ने खुद किया, हमारे ग्रुप की लड़कियां हैं, ऐसा नहीं कि हम नाटक करते तो हमारे साथ नहीं होती है, चीजें होती हैं और हमने किया है, हमें बहुत जल्दी पॉजिटिव सपोर्ट मिला, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें करते हैं तो फिर वो आगे बढ़कर मदद करेंगे। लास्टली हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आप देख रहे हैं लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है या बिल्कुल बढ़ रहा है? बिल्कुल तो बढ़ रहा है। पॉजिटिव है इसके बारे में? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और हम सुबह से शाम तक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत खराब नहीं हो रही है, हम लोग कर रहे हैं। आज़ादी भी हमें एक साथ नहीं मिली थी, काफी सालों के बाद मिली थी, और अगर हमें ऐसा लगता है कि 5 साल 10 साल में चीजें बदल जाएंगी, नहीं, जो आदमी 20 साल अपनी जिंदगी गुजार कर आया उसको आप 10 साल में नहीं बदल सकते, थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें बदलेंगी, शुरुआत हो चुकी है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम आपने नहीं बताया, मैं बस अपने ग्रुप के बारे में बताया। मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप का एक्टर हूँ, मैं पिछले 7 साल से अस्मिता में जुड़ा हुआ हूँ, अरविंद गौर सर के अंडर गाइडेंस में, और मुझे एनर्जी मिलती है उन्हें देखकर। हमने कभी गांधी को नहीं देखा, हमने कभी अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने उन्हें देखा है, और उनके अंदर हमें भगत सिंह भी दिखते हैं, अम्बेडकर भी दिखते हैं और गांधी भी दिखते हैं। ऐसे लोग अगर हैं तो समाज बदलेगा और ज़रूर बदलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।
घरों में लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहली चीज कपड़े कैसे पहनने हैं। कटरीज नो, छोटे कपड़े नो। अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलना। अगर निकलना हो तो या तो पापा के साथ जाना या फिर छोटे भाई के साथ। ऐसे लोगों से दोस्ती करना, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करना। अरे हम सब अपने अपने घरों में अपने लड़कों को क्यों नहीं सिखाते कि समाज में लड़कियों को इज्जत, सम्मान, आजादी और उससे भी बढ़कर बराबरी कैसे दी जाती है। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, हमें अपने घरों से, हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में छिपे ऐसे सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। और याद रखिए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटने पड़ जाए। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और इससे उसे हौसला मिलता है एक नया अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, हम सब दस्तक देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब दस्तक दीजिए कि नाउ इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हम सब लोग और नहीं सहेंगे, हम सबको और एक ऐसा हादसा मंजूर नहीं है। मंजूर है क्या? अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर नहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, हमारे घर बागों मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, हमारे घर बागों मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, वो कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।